अस्सलाम वालेकुम, मेन्यू मील के किचन में अर्जुमन मंसूर आपको खुशामदीद कहती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। तो आज हम अपने किचन में आपके लिए बनाने जा रहे हैं निहारी। निहारी के लिए ये मेरे पास तकरीबन 3 किलो के करीब गोश्त मौजूद है। ये निहारी का रान का गोश्त है। आप जब लेने जाएं तो आप ये कह दें कि हमें निहारी का गोश्त चाहिए तो आपको खास कर निकाल के देगा। अच्छा, इसका एक ख्याल जरूर रखिएगा कि बोटी को बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मेरे पास ये मौजूद है, तकरीबन ये 2 से 2.5 किलो के करीब हड्डियां हैं, जिसमें मेरे पास ये 7 से 8 जो हैं ये नलियां हैं, बाकी आप ये देख रहे हैं और किस्म की भी हड्डियां हैं। इसके साथ मेरे पास मौजूद है ये सौंफ है, जो 6 टेबल स्पून के करीब मेरे पास सौंफ है। 6 टेबल स्पून ही मेरे पास साबुत धनिया है। 1 टीस्पून मेरे पास अजवाइन है। ये तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून मेरे पास सौंठ है। इसके बाद ये मेरे पास 6 जो हैं बादियान के फूल हैं। साथ ही मेरे पास 2 जो हैं ये मेरे पास पीपी है। इसके बाद ये एक बड़ी स्टिक थी दालचीनी की, जिसे मैंने तोड़ के छोटा कर लिया है। 7 से 8 मेरे पास लौंगे हैं। ये मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन मेरे पास है 4 टेबल स्पून। और ये 3 प्याज हैं और 2 लहसुन के ये बंच है मेरे पास। हमें सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि इन तमाम चीजों को मैं एक पोटली में बांधूंगी। ये ख्याल रखिएगा कि पोटली ऐसी हो, अगर जैसे मेरी तरह आपके पास कोई प्रिंटेड कपड़ा है तो ख्याल ये रहे कि वो कलर ना छोड़ता हो। साबुत धनिया डाला, साथ ही मैंने इसमें सौंफ शामिल कर दी। इसके साथ ही मैंने ये इसमें 1 टीस्पून जो मेरे पास अजवाइन है ये शामिल की। ये देखिए, ये 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब सौंठ है, मैंने इसमें शामिल कर दी। साथ ही ये तमाम गरम मसाला जो मेरे पास मौजूद है ये मैंने शामिल किया। और इसको मैंने, ये देखिए जिस तरह हम बांधते हैं ये पोटली पुलाव के लिए, उसी तरीके से मैंने इसको बांध दिया। ये फिर बता दूं दोबारा कि बहुत टाइट ना बांधिएगा ताकि इसमें से इसका अरक जो है वो अच्छी तरह निकल कर बाहर आ सके। चलिए अब हम चलते हैं निहारी की अगली तैयारी की तरफ। इसमें मैंने 1/2 कप तेल शामिल किया है। निहारी के शुरू में बहुत ज़्यादा तेल शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि हम इसमें बाद में भी बघार लगाते हैं, तो मैंने सिर्फ 1/2 कप तेल शामिल किया है। साथ ही इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए, ये अदरक लहसुन भून चुका है, तो इसमें मैं निहारी का जो गोश्त मैंने आपको दिखाया है वो शामिल करूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने काफी बड़ी बड़ी बोटियां बनवाई हुई हैं। अच्छा, साथ ही जो मैंने आपको प्याज और लहसुन दिखाया था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और थोड़ा सा ये जो गोश्त है इसको सौते करूंगी। जरा सा गोश्त जो है ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर ले तो फिर मैं इसमें हड्डियां शामिल करूंगी। अच्छा, इसकी 2 तरीके से बनाई जाती है। कुछ लोग जो हैं वो नली और हड्डियों को अलग से उबाल लेते हैं, लेकिन मैं गोश्त के साथ ही उबालती हूँ ताकि गोश्त के अंदर जो बोटियां हैं उसमें अच्छे से ये अरक पी के ये उसमें गले। ये मैंने तमाम इसमें शामिल कर दी जो मेरे पास, मैंने नली भी साथ ही शामिल कर दी और बाकी हड्डियां भी साथ शामिल कर दी हैं। अच्छा, 2 तरीकों से बनाई जाती है निहारी। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि इन हड्डियों को अलग से बॉईल करके पानी डालते हैं, लेकिन मेरा तरीका यह है कि मैं हड्डियों को साथ ही डाल देती हूँ ताकि जब गोश्त गले तो वो हड्डियों के अरक जो निकले उसी के अंदर गले और अच्छी तरीके से उसका जायका जो है वो अपने अंदर ले ले। अच्छा, अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ तकरीबन 3 लीटर ये पानी। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन 4 लीटर पानी शामिल किया है क्योंकि मुझे कम लग रहा था। और साथ ही 1 टीस्पून के करीब ये सौंठ जो है पिसी हुई, क्योंकि इसमें सौंठ काफ़ी मकदार में जाती है, मैंने ये भी शामिल कर दी है। अब मैं इसको तेज़ आंच पे जब तक पकाऊंगी जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता, उसके बाद मैं ओवरनाइट इसको 0 पे रख दूंगी। अब ये ढकना मैं ढक रही हूँ, जैसे एक जोश आएगा तो मैं इसकी आँच को हल्का कर दूँ। अच्छा, तो अब हम चेक करते हैं कि बॉयल आना शुरू हुआ है या नहीं। ये देखिए, ये बॉयल आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाऊँ कि ये आप देख रहे होंगे कि एक झाग आ रहा है ऊपर, मैं जो हूँ इस झाग को उतार देती हूँ। ये पूरा झाग जो है ना, ये मैं हल्के हल्के ऐसे करके और ये मैं इसे निकालती हूँ, क्योंकि हमने हड्डियाँ वगैरह साथ शामिल की हैं और नाभि की होती तो ये झाग आता है जब हम गोश्त डालते हैं, तो मैं इसको हटा देती हूँ। आप भी इसको हटा दीजिएगा।
अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि वो जो एक ऊपर मेल सा आया हुआ था, जो झाग आए हुए थे, वो मैंने हटा दिए। ये बॉयल आ रहा है। इस मौके पर जो आप देख, मैंने पोटली आपको बना के दिखाई थी, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। और अब मैं इसकी आंच बिल्कुल जीरो पे कर दूंगी। इसी पानी के अंदर ओवरनाइट गलेगा, फिर मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि इसकी क्या पोजीशन। मैं ढककर आंच जीरो कर रही हूँ। अच्छा, अब निहारी जो मैंने आपके सामने चढ़ाई थी, इसको पकते हुए तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी, मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ। अब उसमें जो मैंने साबुत प्याज, लहसुन और जो है आपके सामने जो मसाले की पोटली बनाकर डाली थी, हम पहले वो बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, ये तमाम चीजें मैं बाहर निकाल रही हूँ। इसके बाद जो हड्डियां हमने इसमें शामिल की थी, हम उन्हें भी बाहर निकालेंगे। अब ये देखिए, ये मैं हड्डियां निकाल रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें नलियां शामिल की हैं, वो सब मैं बाहर निकाल दूंगी। अच्छा, अब ये है कि नली पसंद है तो वैसे तो इसमें काफी ज्यादा गूदा शामिल हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर हमें पसंद है तो जो गूदा शामिल करना होगा इसमें से निकाल के वो गूदा शामिल कर सकते हैं। अच्छा, पोटली मैंने जो आपके सामने शामिल की थी, वो ये देखिए, ये मैंने निकाल ली है। अब मैं इसको दबा दबा के, क्योंकि ये गर्म है तो दूसरे चमचे से दबा के मैं इसका तमाम अरप इसमें शामिल कर रही हूँ। आंच हल्की रखिएगा। हड्डियां मैं तकरीबन इसमें से निकाल चुकी हूँ। अच्छा, अब जो मसाले इसमें शामिल होंगे, उसमें शामिल है ये पिसी हुई लाल मिर्च जो तकरीबन 3 से 3.5 टेबल स्पून है। ये 1 टीस्पून भर के मेरे पास हल्दी है। इसके साथ ही मैं आपको पहले ये सिखा चुकी हूँ कि ये निहारी मसाला जो है वो मैंने जो तैयार किया है, ये 2 टेबल स्पून है। ये 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून जायफल और 1/2 टीस्पून जावित्री है, जो मैं इस मौके पर इसमें शामिल करूँ। अब इस मौके पर आप हस्बे जायका नमक शामिल कर दीजिए। इन तमाम मसालों को तकरीबन आधे घंटे तक पकने दीजिए। आंच तेज कर दीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसको ढक रही हूँ और आंच तेज ही रखिएगा। अब आप देखिए कि मैंने तेज आंच पे इसको पकाया है, ये अच्छे से उबाल आ गया है। अब 20 से 25 मिनट तक, क्योंकि 5 मिनट मैंने तेज आंच पे पकाया, 25 मिनट जो है मैं इसे हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा, ये मेरे पास गंदम का आटा है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूंगी। अब ये देखिए, मैंने इस वक्त इसमें 4 टेबल स्पून ये ले लिया है और इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। थोड़ा थोड़ा इसलिए करके शामिल करूंगी ताकि मुझे अंदाजा रहे कि मुझे कितना चाहिए। अब मैं इसे मिक्स करके और फिर से आपके सामने शामिल करती हूँ। अब ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब यहाँ निहारी जो है वो, ये देखिए, इसकी मैं आंच बिल्कुल जीरो कर दूंगी। आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। मैं इसको छन्नी से छान कर शामिल करूंगी ताकि ये देखिए जो थोड़े बहुत लम्स हैं वो इसमें रह जाए। साथ ही इसमें चमचा चलाते जाएंगे। 4 टेबल स्पून मैंने पहले लिया था और ये तकरीबन 7 से 8 मैंने और लिया है, क्योंकि काफी कम था। मैंने बहुत हल्की आंच की हुई है और इस पे भी चमचा चलाते जाएंगे। मैं आपको जो प्याला दिखा देती हूँ, ये एक प्याला जो है, ये देखिए, ये साइज है प्याले का। ये एक प्याला तकरीबन 15 से 20 होंगे टेबल स्पून आटे के, जो इस वक्त ये 3 किलो गोश्त में गए हैं। अब ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको आधे घंटे हल्की आंच पे फिर पकाऊंगी ताकि ये आटे का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और इस मौके पर आप इसमें अपने जायके के हिसाब से नमक वगैरह चख लीजिए, अगर कम हो तो डाल लीजिएगा। तो अब मैं इसको हल्की आंच कर रही हूँ और ढक के फिर मजीद आधा घंटा इसको पकाऊं। ये देखिए, मुझे आधा घंटा हो चुका है आटा डालने के बाद इसे पकाते हुए। अब इसकी ये शक्ल आ गई है। अब आइए हम निहारी के बघार की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये बघार के लिए मैंने इसमें ये 1.5 कप के करीब ऑयल लिया है। ये ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है। तो जो मैंने आपको निहारी मसाला दिखाया था बना हुआ, वो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की। बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस इतना कि जरा सा इसका कलर इस पर आ जाए। ख्याल रखिएगा, बहुत देर तक मत पकाइएगा वरना ये बघार आपका काला हो जाएगा। और अब मैं इसको शामिल कर रही हूँ निहारी।
मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। जी तो तैयार है मेरे किचन में मेरे अंदाज से बनाई गई ये निहारी। अपने किचन में बनाइए और अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरे अंदाज से बनाई गई निहारी कैसी लगती है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।